तो फाइल मेनू बार जो रिलेट करती है हमारी फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में। जब फाइल मेनू बार पर आप क्लिक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है होम। होम के अंदर आपका ब्लैंक वर्कबुक दिखता है, उसके अलावा यहाँ जो चीज़ें दिख रही है एक टैम्पलेट है, मोस्ट यूजेज टैम्पलेट। अब ये टैम्पलेट क्या होता है इसके बारे में हम आगे न्यू पे जिक्र करेंगे, फिलहाल नीचे आते हैं। नीचे आपके सामने रिसेंट वर्कबुक शो हो रहा है, राइट? रिसेंट वर्क नीचे यहाँ पे, अच्छा रिसेंट है, हाँ रिसेंट वर्कबुक मतलब जो आपने अभी ओपन किया है रिसेंटली, वो सारा लिस्ट आपको वहाँ दिखेंगे। अब इसमें बताने लायक क्या है, बताने लायक है यहाँ पे पिन। जैसे मान लीजिए डेटा आपको दिख रहा है, अब डेटा फाइल में बार बार ओपन करता हूँ, दिन में कई बार ओपन करता हूँ, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है जिसमें हम काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये फाइल बहुत अंदर रखा हुआ है, अभी तो फिलहाल ई ड्राइव में, लेकिन हो सकता है ई ड्राइव के 2021 के फोल्डर, जाने के फोल्डर, ऐसे कई सारे फोल्डर उनके सब फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो अभी लिस्ट में है तो आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो आपको उस लोकेशन पे जाना नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन क्या है कि अभी आपने रिसेंटली 20-25 फाइल आप ओपन कर लेंगे तो ये लिस्ट से हट जाएगा, क्योंकि जो लिस्ट है रिसेंट लिस्ट फिक्स लिस्ट नहीं होती है, ये चेंज होती है। जैसे जैसे आप फाइल ओपन करेंगे ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन चेंज करते जाता है। जैसे अभी मैं एक नया फाइल ओपन कर लूँ तो थर्ड से फोर्थ पोजीशन में चलाएगा और जो फॉर्म है वो तो फॉर्म लिस्ट से गायब हो जाएगा, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप इसको पिन पे क्लिक कर दें। जैसे पिन पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, हट गया लिस्ट से, ये कहाँ चला गया? ये चला गया पिन वाले सेक्शन में आ गया। अब ये लिस्ट जब तक आप अनपिन नहीं करोगे तब तक ये लिस्ट हटेगा नहीं, ठीक है? ठीक है, तो आपके जो मोस्ट यूजेस फाइल 10-15 फाइल होते हैं जिसको आप फ्रिक्वेंसली यूज करते हैं उनको पिन में आप रख सकते हैं। अगर आप वन ड्राइव यूज करते हैं तो किसी ने आपको फाइल शेयर किया, आपने शेयर फाइल यूज किया है तो शेयर फाइल में शेयर विथ मी में चला जाता है जहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। शेयर्ड विथ मी मतलब मेरे साथ जो शेयर किया हुआ है। हाँ देखिए, मुझे दत्तात्रेय पटेल ने मेरे साथ शेयर किया हुआ है, ये मेल में शेयर किया हुआ है ना? मेल नहीं सर, मेल नहीं, शेयर वर्कबुक। शेयर्ड वर्कबुक है मतलब कि आपका एक्सेल जो है वन ड्राइव से कनेक्टेड होता है, ठीक है? ये देखिए क्लाउड से। तो होता है क्या है कि क्लाउड जो ऑफिस ये यूज करते हैं, जो ऑफिस में क्या होता है, एक ऑफिस 365 लोग यूज करते हैं तो उसमें कई सारे ग्रुप होते हैं और ग्रुप में एक लोकेशन दूसरे लोकेशन शेयर की जाती है। तो जैसे right, आपको फाइल भेजना है तो मैं आपको मेल नहीं करूंगा, फाइल को शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो वो मेरे शेयर विथ मी वाले फोल्डर में चलाएगा और जब मैं उसको ओपन करूंगा तो उसकी जो लिस्ट बनेगी शेयर विथ मी वाले लिस्ट में चली जाएगी, ठीक? समझ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।